सो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट और वहाँ पे मैं अपना चेक इन वगैरह करा के तो आपको आगे का दिखाती हूँ अब क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। फ्लाइट से एयरपोर्ट है 8 किलोमीटर, 8 भी नहीं, उससे कम ही है, 7.4 के आसपास। तो अभी मैं जा रही हूँ और वहाँ जा के अपना चेक इन कराना है। तो अभी है 12:17 और मेरी फ़्लाइट है 4:45 की। तो मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ पर जाना पड़ता है 3.5 घंटा पहले। तो मैं इसके लिए जा रही हूँ अभी इतनी जल्दी। मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और मैंने इस बार अपनी फ़्लाइट ओडेसा से ही ली थी। यह है एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है यहाँ का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दो बैग मुझे खुद ही घसीटने पड़ेंगे, उसने मुझे बाहर ही उतार दिया। खुद ही घसीट रही हूँ, देख ही सकते हैं। चलो होपफुली एयरपोर्ट तो आ ही गई, फ्लाइट भी एकदम टाइम पे है, कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है। और हाँ, मेरी फ़्लाइट है कतर एयरवेज, मेरे सस्ते में हो गई थी क्योंकि मैंने पहले ही करा ली थी। जैसे ही मुझे पता चला था कि थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है तो मैंने पहले ही अपनी करा ली थी। ओडेसा का छोटा सा एयरपोर्ट, यहीं से कहीं से मेरे को टिकट मिलेगी। अभी तक मेरी चेक इन शुरू नहीं हुई है कतर एयरवेज की, और ऊपर जाके डिपार्चर के लिए इमिग्रेशन है। और यहाँ सारे कार सर्विस, एक्सचेंज रेट, कैफे वगैरह है। भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ से लोग ज़्यादातर तो जाते नहीं है, मेनली लोग कीव से प्रेफर करते हैं। बट मैंने भी फर्स्ट टाइम ओडेसा से इसलिए कराई है क्योंकि यहाँ से सस्ता पड़ता है, मीन्स सस्ता नहीं, अच्छा पड़ जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। कतर का चेक इन, मेरे को यहाँ पर अपना चेक इन कराना है कतर एयरवेज पर। फ्लाइट तो है 4:45 की, बट अभी हो रहा है 12:45, तो 3 घंटे पहले आना पड़ता है इंटरनेशनल फ़्लाइट से पहले। एयरपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए हमें इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको एयर सुविधा फॉर्म भरना पड़ता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आपको वहाँ पे जाके अपना PCR रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड एयर व्हाट डू वी कॉल, एक और कोई चीज़ है तो मैं आपको अभी यहाँ लिख दूँगी, मैं भूल गई हूँ क्या था। और तो ये सारी चीज़ें डालनी होती है उसके फॉर्म पर। तो फिर इंडिया वाले आपको एक लेटर भेजते हैं कि यू आर फिट टू कम बैक, और उसमें ये मतलब प्रिकॉशंस के लिए है कि अगर आपको कभी इंडिया में जाके कोविड हो जाए तो वो आपका केयर करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे है वो। तो बस इतना ही है, हो गया, बट अभी तक चेकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। जस्ट ऐप खोल के देखा कतर एयरवेज का, तो जो मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी कतर में, लैंड होने वाली थी 22:50 पे, मीन्स 10:50 पे, तो वो अब 15-20 मिनट पहले हो जाएगी, तो वो 30 पे लैंड हो जाएगी वो कतर में। ये मैं पिछले पहले भी इससे ट्रैवल किया है तो ये मतलब ऑलमोस्ट हमेशा जल्दी ही पहुंचा देते हैं, जितना इनका एस्टिमेटेड टाइम होता है उससे जल्दी ही पहुंचा देते हैं। मेरा फिर वहाँ पे 3 घंटे का ले ओवर है, फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है। सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए अभी तो ये सिर्फ फ्लाई दुबई की लाइन है, बट ये वाला एयरपोर्ट हमेशा खाली रहता है, बट इसमें भी आज बहुत भीड़ है। मैंने एक लॉग भी एडिट कर लिया, अब चेकिंग स्टार्ट होगी, मैं जाके भी चेकिंग कराती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को इमिग्रेशन को, क्योंकि इमिग्रेशन में शूट भी करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब है कि नहीं, और फिर अंदर बैगेज को चेकिंग चल रहा है कतर एयरवेज पे। अभी मेरा बैगेज चला जाएगा सारी टेंशन काउंटर पे, वही लोग चेक कर रहे हैं हमारा PCR, वैक्सीनेशन एंड और क्या था हमारा एयर सुविधा फॉर्म, तो यही तीनों चीज़ें चेक हो रही हैं। मैंने अपना बैग दिया तो जब वो बेल्ट पे गया तो उस टाइम पे वो ओपन, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है और मैं जा रही हूँ अपना इमिग्रेशन के लिए। अब यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन होने वाला है,
चेक इन हो चुका है मेरे को, उन्होंने मेरा लगेज वगैरह सब चेक इन हो गया है, बस मेरा अभी इस टाइम पे इमिग्रेशन होगा एंड दैट्स ऑल। सो होपफुली फ्लाइट अच्छी हो। मेरे को सिर्फ मन में एक चीज़ है कि मेरा बैग खुल गया है, पता नहीं, उसने चेक तो कराया तो कह रही है कि वो सही से बंद है, बट उसने बोला है कि समथिंग हैपन्स तो दे विल चेक इट अगेन। तो चलो देखते हैं। तो मेरा सारा सिक्योरिटी का हो गया है, वो बॉक्सेस हैं वहाँ पे, इमिग्रेशन हो गया था और मेरी सारी सिक्योरिटी हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ ओडेसा के एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी। अब चलते हैं ड्यूटी फ्री के अंदर। लगेज चला जाता है तो एकदम खाली खाली फील आती है। यही है यहाँ का छोटा सा ड्यूटी फ्री। आ चुकी हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे पीछे अभी शॉप्स वगैरह हैं थोड़ी बहुत, शॉप्स मीन्स शॉप के नाम पे सिर्फ ड्यूटी फ्री है और एक रेस्टोरेंट है फार्श और एक बीच में वॉक कैफ़े है, बस इतना ही है यहाँ पे। और एक IQS है, वो सिगरेट जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट टाइप का, समथिंग लाइक दैट। तो बस इतना ही है, अभी मैं अपना वेट कर रही हूँ, मेरे पास 2 hours हैं। अभी दूसरा व्लॉग अपडेट कर रही हूँ, वो लोग अभी आप देख चुके होंगे पहले ही, वो सिर्फ मेरा कोविड टेस्ट का है। और बस अभी टाइम हुआ है 2:32 अभी टाइम हो रहा है और मेरी फ़्लाइट है 2:45 की। तो तब तक मैं दूसरा व्लॉग एडिट करती हूँ और आप सबको मिलती हूँ उसमें।